कार्य में विकास और आप देख रहे हैं पब्लिक लैंड। यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर विवाद बच चुका है और उसी को आरक्षण जो है वो सीटें क्लियर हो गई हैं, उसी पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ पर्यावरण वन विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना हमारे साथ मौजूद हैं। आइए पूछते हैं माननीय मंत्री जी, पब्लिक लैंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप वर्तमान में बुलंदशहर के प्रभारी मंत्री हैं और अभी पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा की और आपकी क्या तैयारी है? देखिए ऐसा है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत तीनों के इलेक्शन होने हैं और इन तीनों में जनता हमारे साथ है, भारी बहुमत से हमारी पार्टी जीतेगी। वर्तमान में जैसे कि अभी कांग्रेस हो या सपा हो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और अभी से ये कह रहे हैं कि भाजपा आपकी बात सुनी नजर आएगी, तो उसको देखिए उन्हें कुछ तो कहना ही, वो जो चाहे कह लें। और जनता ने 2014 में दिखला दिया, 2022 में दिखला दिया, 2019 में दिखला दिया और 2022 में अभी चुनाव हुआ वो दिखला दिया और जितने इलेक्शन बीच में जो जिला पंचायत के हुए उसमें भी जनता ने दिखला दिया, जो MLC के इलेक्शन हुए उसमें भी जनता ने दिखला दिया, इसमें भी जनता उन्हें दिखला देगी। जनता हमारे साथ है, जनता भाजपा की नीतियों के साथ है, जनता के साथ जितनी बेहतरी, जितना जनता को लाभ पहुँचाया गया है इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, उतना 60 साल में नहीं पहुँचा जो 6 साल में पहुँचा दिया। अच्छा, एक चीज़ और कहा जा रहा है कि 2024 चुनाव के पहले ये एक सेमीफाइनल चुनाव माना जा रहा है, तो उसको लेके क्या है, क्या बहुत सारी चीज़ें उससे क्लियर हो जाएंगी? देखिए चाहे कुछ माने लेकिन इसमें भारी बहुमत से जीतेंगे, मामूली बहुमत से नहीं जीतेंगे और 2024 में भी और ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। एक पुराना सवाल मैं ये लूँगा कि अभी अतीक अहमद का मामला था और वो यूपी आया और थर थर काँप रहा था, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, इस शब्द को लेकर बड़ी चर्चा, उस पर क्या? देखिए हमारी सरकार नियमानुसार काम कर रही है और वो काम करेगी नियमानुसार। एक और विभाग से संबंधित सवाल, वर्तमान में कौन सी ऐसी योजना है पर्यावरण को लेके या वन विभाग को लेके जिसका सीधा लाभ लोगों तक पहुँचे? देखिए वन विभाग की तरफ से इस बार भी 35 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, विभिन्न जिलों में और विभिन्न सड़कों पर, विभिन्न पार्कों में, फॉरेस्ट के अंदर। और इस बार सबसे खास बात यह है कि हमने ये तय किया है कि 20% पेड़ हम बच्चों को देंगे और बच्चों को हम फलों के पेड़ देंगे, अच्छे कलमी किस्म के देंगे, ग्राफ्टेड पेड़ देंगे। और बच्चे जो गांव में पढ़ते हैं हो या सपा हो लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और अभी से ये कह रहे हैं कि भाजपा आपकी बात सुनी नजर आएगी, तो उसको देखिए उन्हें कुछ तो कहना ही, वो जो चाहे कह लें। और जनता ने 2014 में दिखला दिया, 2022 में दिखला दिया, 2019 में दिखला दिया और 2022 में अभी चुनाव हुआ वो दिखला दिया और जितने इलेक्शन बीच में जो जिला पंचायत के हुए उसमें भी जनता ने दिखला दिया, जो MLC के इलेक्शन हुए उसमें भी जनता ने दिखला दिया, इसमें भी जनता उन्हें दिखला देगी। जनता हमारे साथ है, जनता भाजपा की नीतियों के साथ है, जनता के साथ जितनी बेहतरी, जितना जनता को लाभ पहुँचाया गया है इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, उतना 60 साल में नहीं पहुंचा जो 6 साल में पहुंचा दिया जी। अच्छा, एक चीज़ और कहा जा रहा है कि 2024 चुनाव के पहले ये एक सेमीफाइनल चुनाव माना जा रहा है, तो उसको लेके क्या है, क्या बहुत सारी चीज़ें उससे क्लियर हो जाएंगी? देखिए चाहे कुछ माने लेकिन इसमें भारी बहुमत से जीतेंगे, मामूली बहुमत से नहीं जीतेंगे और 2024 में भी और ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। एक पुराना सवाल मैं ये लूँगा कि अभी अतीक अहमद का मामला था और वो यूपी आया और थर थर काँप रहा था, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, इस शब्द को लेकर बड़ी चर्चा, उस पर क्या? देखिए हमारी सरकार नियमानुसार काम कर रही है और वो काम करेगी नियमानुसार। एक और विभाग से संबंधित सवाल, वर्तमान में कौन सी ऐसी योजना है पर्यावरण को लेकर या वन विभाग को लेकर जिसका सीधा लाभ लोगों तक पहुँचे? देखिए वन विभाग की तरफ से इस बार भी 35 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, विभिन्न जिलों में और विभिन्न सड़कों पर, विभिन्न पार्कों में, फॉरेस्ट के अंदर। और इस बार सबसे खास बात यह है कि हमने ये तय किया है कि 20% पेड़ हम बच्चों को देंगे और बच्चों को हम फलों के पेड़ देंगे, अच्छे कलमी किस्म के देंगे, ग्राफ्टेड पेड़ देंगे। और बच्चे जो गाँव में पढ़ते हैं, जिनके घर में इतनी जगह भी है, कहेंगे 2 पेड़ लगाओ, आम का लगा लो, आलू का लगा लो, अमरूद का लगा लो, नींबू का लगा लो, करौंदे का लगा लो,
जहाँ जो पेड़ होता है वो फल का पेड़ देंगे, इससे हमें कई फायदे हैं। एक तो हमें पेड़ लगाने की जगह मिल गई, पेड़ सुरक्षित रहेगा, बच्चा पेड़ लेके जाएगा तो उसकी अम्मा पानी दे ही लेगी, और फल निकलेंगे तो बच्चे भी खाएंगे, उसके दोस्तों को भी वो खिलाएगा, तो हर तरह से हमारे लिए फायदे की योजना होगी और इस पर हम बहुत ज़्यादा जोर देंगे आपकी बात। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। हमारे साथ थे पर्यावरण वन विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, जिन्होंने साफ कहा कि अब की बार जो है यूपी में भाजपा पूर्ण बहुमत से हर जगह हर नगर निकाय चुनाव में अब की बार नजर आए। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र शर्मा के साथ मैं विकास सिंह ठाकुर।